हेलो स्टूडेंट, मोहम्मद साकिब आसमी, योर बायोलॉजी टीचर। तो स्टूडेंट, हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं वो है आवर एनवायरनमेंट। और इस चैप्टर में ऑलरेडी मैंने दो लेक्चर इस चैप्टर का बना के रखा हुआ है, और जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए, जिसमें हमने इकोसिस्टम के बारे में बात की और टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम के बारे में बात की, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में बात किया। तो आज के लेक्चर में हम इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है, इकोसिस्टम में फूड चेन का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और आई होप कि सारा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है इस चीज़ को समझना फूड चेन के बारे में। बहुत कन्फ्यूज़न होता है फूड चेन को लेकर, बायोटिक लेवल्स को लेकर कन्फ्यूज़न होता है, एनर्जी ट्रांसफर को लेकर कन्फ्यूज़न होता है, और जो फूड वेव है वो कन्फ्यूज़ करती है। एक्चुअली हम फूड चेन क्या है, फूड वेव क्या है, तो मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह कि फूड वेव और बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन को नेक्स्ट वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करने के लिए, और जो फूड वेव है और एनर्जी का उसमें ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है और उसका इम्पोर्टेंस क्या है फूड वेव का, इन सारी चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में ही हम इन सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो फिलहाल ये समझने की कोशिश करते हैं आखिर फूड चेन क्या है। स्टूडेंट, आपको पता है, एक चीज़ मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, जो सेकेंड टर्म के एग्ज़ाम होंगे, स्पेशली बोर्ड के जो एग्ज़ाम होंगे, बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, क्वेश्चन भी करते हैं, तो वो जनरली कंफ्यूज थोड़ा से हो जाते हैं, क्योंकि उनको हेरिडिटी वाला जो चैप्टर पढ़ना है, साथ ही साथ रिप्रोडक्शन वाला, मीन्स हाउ डू ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस वाला जो चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर्स पढ़ने, और उनको लगता है यही दोनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो दो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट 13 मार्क्स कैरी कर रहे हैं आउट ऑफ 18। और आप ये जान लें कि इस बार जो साइंस में आएगा वो ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन बायोलॉजी के आएंगे, तो आप 50% जो मार्क्स होंगे वो बायोलॉजी के होंगे, और लेस 50% में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री होगा। तो थोड़ा सी इस चीज़ को ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो चैप्टर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपका आवर एनवायरनमेंट वाला है, जिसमें हम बात करेंगे, क्योंकि ये 5 मार्क्स आपका कैरी कर रहा है। तो आसानी से आप इसको समझने के लिए पहले के लेक्चर्स को देख लीजिए, और आज का जो मैं लेक्चर बनाऊंगा फूड एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम, तो उसको भी देखना बड़ा ज़रूरी है। आप आराम से इसको देखिएगा, जो भी कन्फ्यूज़न होंगे ऑफकोर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं, कुछ निगेटिव फीडबैक्स भी आते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उस पर काम करूँगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर कहीं से भी कुछ मिस्टेक हो रहा है तो आई होप कि उस पर ओवरकम किया जाएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में आपसे बता दूं, सबसे पहले हम बात करते हैं फूड चेन के बारे में। आखिर ये फूड चेन क्या है? देखो स्टूडेंट, फूड चेन आखिर है क्या, और फूड चेन के बारे में हम एक्चुअली पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले हम समझते हैं, क्योंकि देखो हम पढ़ रहे हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में, हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में, और आपको पता ही है, सॉरी इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्वायरमेंट के बारे में। और इन्वायरमेंट में एक पार्टिकुलर रीजन का जो इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। और जो इकोसिस्टम होता है ये आपका दो टाइप के कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, वो आपका होता है एबायोटिक एंड बायोटिक। मैं चीज़ों को स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपने पहले के लेक्चर्स को उतना अच्छा देखा नहीं होगा ना, फिर तब भी इंशाल्लाह आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और दूसरा जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक में आपको पता है वेरिएशन ज्यादा होता है, बायोटिक में आपके प्रोड्यूसर आते हैं, दूसरा आपका कंज्यूमर आता है, उसके अलावा आपके डीकम्पोजर आते हैं। बट जो, क्योंकि अब प्रोड्यूसर, आपको पता है प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर वो जो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उससे फूड को प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। बट ये जो कंज्यूमर होती है, कंज्यूमर जो होते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, स्पेशली ये आपके हेटरोट्रॉप्स होते हैं, तो ये फूड बना नहीं सकते, और इसमें भी ग्रेट वेरिएशन होता है, इसमें वैरायटी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। आखिर इस वेरिएशन का इंपॉर्टेंस आपको पहले ही पता है, आपने रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि वेरिएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो उसमें वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म होंगे उस पर, डिफरेंट टाइप के फूड पर डिपेंड होते हैं, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो कंज्यूमर क्या है ना, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप नहीं कर पा रहे, बट स्टिल दे आर अलाइव, उनके पास अभी भी वो मूव कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं,
उनकी बॉडी ग्रोथ कर रही है, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर क्या पहुंचती है, एनर्जी पहुंचती है। मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। बस ये याद रखें, कंज्यूमर के अंदर एनर्जी पहुंची, बट ये एनर्जी पहुंची कैसे, क्योंकि इन्होंने सोलर एनर्जी को इन्होंने ट्रैप तो किया नहीं, ऑफकोर्स कहीं ना कहीं से इनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर होके आएंगे। तो याद रखें, फूड चेन का जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि ये एनर्जी को किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करती है। एक इकोसिस्टम में जो वेरिएशन देखा जा रहा है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखे जा रहे हैं, उनकी जो लाइफ पॉसिबल है जस्ट बिकॉज दे कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन टू अनदर ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी ट्रांसफर करने की जो होती है ना, वो टेंडेंसी होती है। इसी की वजह से हेटरोट्रॉफ्स में भी जो वेरिएशन देखा जाता है, हेटरोट्रॉफ्स अब एक टाइप के होते नहीं है, आपके हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, टॉप कार्निवोर होते हैं जो सबको खा सकते हैं, उनके अंदर हर्बीवोर से कार्निवोर, कार्निवोर से टॉप कार्निवोर, ये एनर्जी ट्रांसफर होती है जिसकी वजह से वो सर्वाइव करते हैं। तो सिंपली आप ये समझे, फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन वन अनदर, जो एक दूसरे पे एक दूसरे को खाते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। फूड मतलब जनरली आपको एनर्जी से यहाँ पे रिलेटेड है, तो अगर फूड कहीं पे आ जा रहा है इस चैप्टर में, इसका मतलब एनर्जी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि फूड के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में एनर्जी पैक है। ओके, अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के में पाए जाने वाले फूड चेन के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब जो फूड चेन होती है ना, वो उसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, पहली चीज फूड चेन में क्या करती है, एनर्जी को ट्रांसफर कर रही है। और उसमें मैंने पहले भी बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबसे पहले हमने कह दिया ये प्रोड्यूसर है आपका, इन्होंने सबसे पहले सोलर एनर्जी को ट्रैप किया, फिर उसने क्या किया, इसको कौन खाता है, हर्बीवोर खाते हैं, फिर उसके बाद इनको कौन खाता है, कार्निवोर्स खाते हैं, फिर कार्निवोर्स को कौन खाता है, जो टॉप कार्निवोर्स होते हैं जो सबको खा सकते हैं, कार्निवोर्स खाते हैं, टॉप कार्निवोर्स। यहां तक एनर्जी प्रोड्यूसर से हर्बीवोर के अंदर, हर्बीवोर के बाद कार्निवोर के अंदर, कार्निवोर के बाद टॉप कार्निवोर से, उनके अंदर एनर्जी ट्रांसफर हुई जो सन से आई हुई एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप करने का तो एक्चुअली काम प्रोड्यूसर ने किया, बट एनर्जी को ट्रांसफर कर करके इनको भी जिंदा रखा गया, इनके अंदर भी लाइफ पॉसिबल है, ये भी सर्वाइव कर रहे हैं, ये भी सर्वाइव कर रहे हैं, ये भी सर्वाइव कर रहे हैं, सबके अंदर एनर्जी को भेज के उनको लिविंग फॉर्म में रखा गया। तो एनर्जी का ट्रांसफर यहाँ से, जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और देखें, सेम टाइप का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर, कंज्यूमर में ये सारे के सारे आ जाएंगे, जो ये ऑर्गेनिज्म है सेम टाइप की फीडिंग हैबिट रखते हैं, स्पेशली कंज्यूमर में। प्रोड्यूसर, इसको हम बायोटिक लेवल बोलते हैं, प्रोड्यूसर में एक टाइप के ऑर्गेनिज्म से बने हुए, मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि ये क्या बनाते हैं, ये बायोटिक लेवल बनाते हैं। कौन बायोटिक लेवल बनाता है, सेम टाइप के ऑर्गेनिज्म जो सेम फीडिंग हैबिट रखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उस ग्रुप को हम बायोटिक लेवल बोल देते हैं, जिनमें से एनर्जी होके हर लेवल में, जितने लेवल से एनर्जी ट्रांसफर होती है, हर लेवल को हम बायोटिक लेवल बोलेंगे। और बायोटिक लेवल क्या है, बायोटिक लेवल इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेम फीडिंग हैबिट। बस ये जान ले, सेम फीडिंग हैबिट रखने वाले ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक लेवल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर, सारे के सारे प्लांट को आप प्रोड्यूसर बोल दोगे, ये एक फर्स्ट बायोटिक लेवल हो गया। उसके बाद हर्बीवोर ने उन्हें खाया, तो हर्बीवोर जो है वो सेकेंडरी बायोटिक लेवल हो गया, या सेकेंड बायोटिक लेवल हो गया, ये थर्ड आपका बायोटिक लेवल हो गया, ये फोर्थ आपका बायोटिक लेवल हो गया। आपकी बुक में उसने दे रखा हुआ है, आप आराम से उनको समझें। तो प्राइमरी ये प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका हर्बीवोर है, कार्निवोर है, एंड टॉप कार्निवोर है। तो ये फर्स्ट लेवल हो गया, दिस इज द फर्स्ट बायोटिक लेवल, सेकंड बायोटिक लेवल, थर्ड बायोटिक लेवल, एंड हियर इज द फोर्थ बायोटिक लेवल। तो हर लेवल से एनर्जी होके जाती है, एंड दिस कार्निवोर हैज लीस्ट अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी, क्योंकि अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है, सारी के सारी लाइफ पॉसिबल किसकी वजह से, सन की वजह से, सन से एनर्जी आ रही है। प्रोड्यूसर ने उनको ट्रैप किया, हर्बीवोर में गया, उसके बाद कार्निवोर में गया, उसके बाद टॉप कार्निवोर में गया, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। आई एम श्योर कि आपको ये इकोसिस्टम में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है और फूड चेन का इंपॉर्टेंट समझ में आ गया। दिस इट मेक्स अ फूड चेन, ये आपका एक फूड चेन बन गया, डिफरेंट बायोटिक लेवल
की हेल्प से क्या बन गया, फूड चेन बन गया, जिसकी हेल्प से एनर्जी या फूड ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसकी वजह से सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉप कार्निवोर भी सर्वाइव करता है, कार्निवोर भी सर्वाइव करता है, आर्बिवोर भी सर्वाइव करता है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। अब जो उसने एग्जाम्पल दे रखा हुआ है फूड चेन का, तो दो तीन इसने एग्जाम्पल दे रखा हुआ है, सॉरी तो दो तीन एग्जाम्पल उसने दे रखा हुआ है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ, फर्स्ट जो उसने एग्जाम्पल दे रखा हुआ है वो दे रखा हुआ है उसने फॉरेस्ट का, एक आपका फॉरेस्ट फूड चेन है, फॉरेस्ट फूड चेन। सेकेंड आपका जो एग्जाम्पल होगा वो पॉन्ड फूड चेन के बारे में होगा, और थर्ड जो आपका एग्जाम्पल है वो आपका ग्रास लैंड है, ग्रास लैंड फूड चेन, फॉरेस्ट फूड चेन, पॉन्ड फूड चेन एंड ग्रास लैंड फूड चेन। तो सबसे पहली चीज जो फॉरेस्ट फूड चेन है उसके बारे में बात करते हैं। ये जो फॉरेस्ट फूड चेन क्या होता है पहला देख ले। फॉरेस्ट फूड चेन में हम देखते हैं कि सबसे पहले आप नीचे से स्टार्ट करते हैं। एक आपके प्लांट्स होते हैं फॉरेस्ट में, क्या होते हैं प्लांट, दीज आर द प्रोड्यूसर, इन्होंने सनलाइट को ट्रैप किया। अब इनको कौन खाएगा, हर्बीवोर खाएंगे, जैसे आपके डियर हो गए, डियर ने उनको खाया तो एनर्जी ट्रांसफर हो गए, डियर के अंदर चले गए, और डियर को किसने खाया, लायन ने खाया, अब एनर्जी ट्रांसफर हो गए, लायन के अंदर चले गए। अब लायन की डेथ हो जाएगी, वो डिकम्पोज कर दिए जाएंगे, बट एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यहाँ तक कंज्यूमर तक ही एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसके बाद एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, इसीलिए डिकम्पोजर को हम एक्चुअली अलग कर देते हैं, डिकम्पोजर को हम इसमें नहीं पढ़ते। ओके, नेक्स्ट आपका मतलब ये दिस इज द फर्स्ट बायोटिक लेवल, हियर इज द सेकंड एंड हियर इज द थर्ड बायोटिक लेवल। ओके, सेकंड टाइप की बात करते हैं पॉन्ड के बारे में। पॉन्ड में आपको पता होगा फाइटोप्लैंक्टन पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। अब ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, जो वाटर में एक्चुअली वाटर जो बॉडीज होता है उसमें जो छोटे छोटे प्लांट्स तैर रहे होते हैं पाए जाते हैं, उनको हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। अब इनको जो खाता है, जो छोटे छोटे उसमें इंसेक्ट पाए जाते हैं ये उनको खाते हैं, उनको हम जूप्लैंक्टन बोलते हैं, और जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस खाएंगे, स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस खाएंगे, और लार्ज फिशेस को कोई भी बर्ड खा लेगा। मैंने एक लार्ज फिश बनाने के बजाय यहाँ पे डाइट मैं स्वान लिख देता हूँ, स्पेलिंग पता नहीं सही है कि नहीं, बट जो भी है ये मैंने बनाया फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्मॉल फिशेस एंड स्वान। तो ये आपका पॉन्ड फूड चेन है, यहाँ से एनर्जी इसने ट्रैप की सोलर एनर्जी को, और उसके बाद जूप्लैंक्टन तक, स्मॉल फिशेस एंड स्वान तक ये एनर्जी पहुंची। तो इस तरीके से ये एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है, ऑफकोर्स फूड चेन का फंक्शन एनर्जी को ट्रांसफर करना है। ओके, लास्ट वन हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा, सबसे पहले हम किसी ग्रासलैंड के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपका ग्रास पाई जाएगी। ग्रास को पे कौन फीड करता है, ग्रास को फीड करता है आपका इंसेक्ट, जैसे कि आपका हो गया ग्रास ओपर, ग्रास ओपर। ओके, ग्रास ओपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, ये नेक्स्ट बायोटिक लेवल हो गया। फ्रॉग को स्नेक खाएगा, ये नेक्स्ट बायोटिक उसके आगे का बायोटिक लेवल हो गया। एंड हियर इज द लास्ट बायोटिक लेवल जिसमें हॉक एक स्नेक को खाता है। तो एनर्जी यहां पे ट्रांसफर कर रही है धीरे 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 धीरे। दिस इज द फर्स्ट बायोटिक लेवल, हियर इज द सेकेंडरी बायोटिक लेवल, टर्शियरी बायोटिक लेवल, क्वार्टरी एंड व्हाट इज आई डोंट नो how to say this is the fifth biotic level. तो first, second, third, fourth, fifth, यहाँ पे पांच biotic level तक क्या हुआ, energy transfer हुई। तो ये तीन example आपकी book में दे रखे हैं, I hope कि आपको समझ में आ रहा है। Okay, अब हम बात करते हैं energy का transfer होता कैसे। तो simple सा है, एक scientist थे जिनका नाम था Lindman, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट ने 1942 में एक लॉ दिया। उन्होंने एक्चुअली ये लॉ एकदम एग्जैक्ट तो है नहीं, बट ये लॉ थोड़ा से थर्मोडायनेमिक्स के रूल पे बेस्ड है। आई होप आई एम श्योर कि आपको थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट एंड सेकंड लॉज जो है वो पता है, जिसमें ये बताया गया एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एज वेल, यू नो, एंड ऑल्सो बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एंड व्हाट वॉज द सेकेंड लॉ, ये था कि 100% एनर्जी कैन नॉट बी कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, और कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म।
तो बट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो थोड़ा बहुत एनर्जी जो होती है ना, वो पहले तो ये है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. नेक्स्ट ये है कि इसमें 100% एनर्जी को आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल नहीं सकते और बट एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. चलिए तो ये उसके बारे में है. तो यहाँ पे 100% एनर्जी आप एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते. सबसे पहले क्या हुआ, सन से एनर्जी आई और सन से जो एनर्जी जिसने ट्रैप किया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ग्रासलैंड वाले का, एनर्जी आई और उसको किसने ट्रैप किया, ग्रास ने ट्रैप किया और इसने ऑलमोस्ट कितनी एनर्जी का 100% एनर्जी आई सन से, बट उसमें से ऑलमोस्ट 1% एनर्जी ये प्रोड्यूसर ट्रैप करते हैं, चाहे ग्रास हो गया चाहे फाइटोप्लैंकटन हो चाहे ये प्लांट्स हैं, इन्होंने 1% एनर्जी ट्रांसफर ट्रैप कर लिया बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ पिगमेंट विच कैन ट्रैप द सोलर एनर्जी, और उसने केमिकल एनर्जी में या फिर फूड में चेंज कर दिया. अब यहाँ पे ग्रास के पास जो भी फूड, जितना भी फूड इसने इकट्ठा किया, वो सारा का सारा अगर ग्रास ऊपर इनको कंज्यूम करता है तो भी 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकती फ्रॉम द ग्रास टू ग्रासलैंड, क्योंकि ग्रास के पास, ग्रास की बॉडी में भी एनर्जी जब आई होगी, उसने फूड बनाया होगा तो कुछ तो फूड उसने अपना इस्तेमाल किया होगा, खुद इस्तेमाल किया होगा बिकॉज वो भी तो लिविंग है, उसको भी तो एनर्जी की जरूरत है, उसने थोड़ा बहुत एनर्जी खुद यूज की होगी, थोड़ा बहुत फूड उसने खुद यूज किया होगा. उसके बाद उसने क्या किया होगा कि बाकी एनर्जी को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन एक तो जो भी एनर्जी इसके पास आई उसमें से थोड़ा बहुत एनर्जी उसने यूज किया और थोड़ा बहुत एनर्जी इसने ट्रांसफर कर दी किसके पास, ग्रासहॉपर के पास. ऑलमोस्ट 90% जो एनर्जी होती है ना वो हीट की फॉर्म में ऐसे निकल जाती है. पूरा 100% खाने के बाद घास खत्म हो गई बट ग्रासहॉपर जो भी थे उनके पास जो एनर्जी पहुंची वो कितनी पहुंची, 10% पहुंची, बाकी 90% जो है ना वो एटमॉस्फेयर में ऐसे बाहर निकल गई. और दूसरी चीज ये है कि 90% आपका एटमॉस्फेयर में बाहर निकल गया और थोड़ा बहुत उसने अपने खुद को कंज्यूम कर लिया, बट एनर्जी जो ट्रांसफर हुई इस लेवल से ग्रास से, मतलब फर्स्ट बायोटिक लेवल से सेकंड बायोटिक लेवल में, वो परसेंटेज था वो 10% था. फिर उसके बाद ग्रास ओपर को अगर फ्रॉग ने खा लिया पूरे के पूरे तो भी कितने परसेंट एनर्जी पहुंची नेक्स्ट लेवल में, 10% और 90% हीट की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में निकाल दी गई. इसी तरह से फ्रॉग से स्नेक में 10% और 90% निकाल दी गई, स्नेक से हॉक में 10% लेस 90% क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया. अब आपके पास, आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि जो ग्रास ने जो भी ट्रैप किया, सोलर एनर्जी ट्रैप किया, अब ग्रास के बाद से अगर जितने भी आगे के बायोटिक लेवल्स हैं उनके अंदर अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वो 10% के अमाउंट में ट्रांसफर हो रही है. तो इसी के लिए लिंड में ने जो ला दिया था उस ला को कहा गया 10% ला, 10% ला. मैं इसको मिटाना नहीं चाहता एक्चुअली, इसीलिए मैंने सारी चीजों को यहीं पे एकदम भर के लिख दिया. ओके तो आप इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा. तो लिंडमैन ने 1942 में बताया कि एक 10% लॉ होता है जो एक इकोसिस्टम में काम कर रहा होता है, एक फूड चेन के अंदर एनर्जी कितने परसेंट में ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बायोटिक लेवल टू अनदर बायोटिक लेवल, दैट इज 10%, और इसी को उसने 10% लॉ के नाम से दिया. ओके आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई. बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, आप ज़रूर उसको देखिएगा. अगर चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स करके बता, कमेंट बॉक्स में आप आपको लिख के बताइएगा. तो मैं आई होप कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी. बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें समझ में आ जाए. और दूसरी चीज़ ये कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा बायोलॉजी जो आपका मेन बायोलॉजी है, जो जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी आपने पढ़ा, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा, रिप्रोडक्शन वाला पढ़ा, हेरिडिटी एंड वेरिएशन वाला, एवोल्यूशन वाला पढ़ा और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पढ़ा, उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा ये हटके होता है जिसमें आप लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो जाता है. बट आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. तो इस चैप्टर को अच्छे से पूरा देखिएगा और जहाँ पे भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा. थैंक यू सो मच.